नीतीश सरकार में जनप्रतिनिधि अपने आप को कर रहे हैं असुरक्षित महसूस। मुखिया और उनके भाइयों पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने पिस्टल के बट से मारकर किया घायल। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बलुआचक पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार मंडल और उनके भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। मुखिया गांव के ही पप्पू राय की बेटी की शादी में गए हुए थे। इसी क्रम में जवाहर यादव सरपंच, रणवीर यादव, दौलत यादव, डब्लू यादव, रामबरन यादव और गुंजन यादव के द्वारा मुखिया पर जानलेवा हमला करते हुए पिस्तौल की बट से मारकर गंभीर रूप से मुखिया को घायल कर दिया। वहीं मुखिया के तीन भाई सहित दो सहयोगियों को भी मारकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इसके बाद मुखिया के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मुखिया सहित उनके भाइयों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं सरपंच और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घायल मुखिया पर पहले भी दो बार जानलेवा हमला हो चुका है। वहीं कल भी आरोपियों के द्वारा मुखिया के घर पर धमकी दी गई है और केस ठोकने को लेकर धमकी भी दी जा रही है, जिसको लेकर मुखिया सहमे हुए हैं। वहीं मुखिया पुलिस से सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। मुखिया और उनके भाइयों का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा के अस्पताल में किया जा रहा है। मुखिया है, आप क्या घटना हुई है? मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल हुआ। मैं ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी से, प्रखंड जगदीशपुर, और 2016 से अभी लगातार मुखिया है। क्या घटना क्या हुई? हम लोग 4 तारीख को रात में करीब 9:30 बजे परमानंद राय उर्फ पप्पू राय शर्मा टोली में भोज खाने के लिए उसके घर पर हम गए थे। उसकी बेटी की शादी था। पहले से वहाँ घात लगाए बलवाचक के वर्तमान सरपंच जवाहरलाल यादव, उनका बेटा रणवीर यादव, उनका भाई दौलत यादव और डब्लू यादव और अम्बरन यादव और गुंजन यादव, ये लोग पहले से सब वहाँ मौजूद था। हम जैसे गए तो टेबल वहाँ भरा हुआ था, तो हम बगल में बैठ गए। बैठ जाने के बाद 1 मिनट भी नहीं हुआ और पीछे से आकर के रणवीर यादव भिड़ गया और मेरे माथे पर पिस्टल निकाल करके 2-3 बार मेरे माथा पे मार दिया। मारने के बाद हम थोड़ा मूर्छित हो गए। मेरे बगल में जो बैठे हुए थे भाई, उसको भी मारने लगा और मेरा गला करके जवाहर यादव पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोला, आज माधव चो तुमको मारिए देंगे, तुम 10 लाख पैसा दो। हम बोले, क्या चीज़ का तुम रंगबाजी मांग रहे हो, तो जो समझो। इसी बीच में मेरा चैन भी था, मेरा 55 ग्राम का लगभग, वो मेरा दोनों चैन छीन लिया उसका बेटा रणवीर यादव, और उसका मेरा भाई का जो है वो चैन छीन लिया जवाहर यादव, उसको भी डबल चैन था गले में। उसके बाद सभी लोग अफसातर्फी होने लगा। वहाँ पर जितना भी लोग भोज खा रहे थे सभी लोग भागने लगे। तब आनंद फानंद में हम जो है फोन किए DSP साहब को, डॉक्टर गौरव सर को, और थाना प्रभारी रंजीत कुमार को, सर जी को फ़ोन किए। तुरंत इमिडिएटली उन्होंने यहाँ चर्चर गाड़ी फोर्स भेजा। उसके बाद फिर मेरा जान बचा। पहले भी हमला हुआ? पहले 2 बार पहले भी हो चुका है मेरे ऊपर। क्या कारण है हमला होने का? कारण वो मेरा पंचायती राज चुनाव जो है, चुनाव के चलते ही उसका मनोबल पहले से वो बहुत जो है क्रिमिनल रैंक का है, उसके ऊपर 5 केस पहले से है। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमारे SSP साहब और DIG साहब, जो भी पदाधिकारी हैं जिला का, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। डर मेरे धमकी कल भी मेरे घर पे जाके उन्होंने धमकी दिया है कि पूरे परिवार को हम मार देंगे। हम लोग पूरे दहशत में अभी बने हुए हैं और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। DSP साहब कोई बोले थे, सर हमारे ऊपर खतरा आएगा। उन्होंने बोला, कैसा कोई दिक्कत होगा मुखिया जी, आप फ़ोन कीजिएगा। इसी के माध्यम से हम DM साहब को भी कहेंगे, सुमरत कुमार सेन जी को मेरा उनको शस्त्र का लाइसेंस अनुज्ञप्ति दिया जाए आप लोग के माध्यम से। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल हुआ, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी से है।